हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और ये फर्स्ट वीडियो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिग्नल्स क्या होते हैं, व्हाट इज सिग्नल्स, कितने टाइप के सिग्नल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज सिग्नल्स, सिग्नल्स क्या होते हैं। तो सिग्नल की अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो सिग्नल की डेफिनेशन होती है, ए सिग्नल इज अ फंक्शन दैट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर। तो इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल्स क्या है। सिग्नल इज अ फंक्शन, सिग्नल बेसिकली एक फंक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन इन फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में वेरिएशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर, किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एनी पैरामीटर क्या हो गया, एनी पैरामीटर हमारी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि आपका टाइम, डिस्टेंस, ये हमारी टाइम, डिस्टेंस, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है, जिसे हम एनी पैरामीटर कहेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है और ये हमारे डिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके, मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है और इसको हम फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। तो जो भी वेरिएशन हो रहा है टेम्परेचर में, प्रेशर में या ह्यूमिडिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका जो फंक्शन है वो कहलाता है सिग्नल। अब इसको, ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको अगर हम एक एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी, या आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। इसमें टी हमारा एक टी टाइम है जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में हमारा फंक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। और इसको अगर हम लिखें माइनस ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो ये कहलाएगा हमारा एक फंक्शन। अब मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, तो उसके लिए हम क्या एक ग्राफ बना सकते हैं। तो किस तरह बनाएंगे, तो यहाँ पे हम जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसके अलोन हम लेते हैं अपनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी टाइम और डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने ले लिया टाइम, और जो वाई एक्सिस होती है उसके अलोन हम लेते हैं अपनी डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर मेजर करना है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया टेम्परेचर वाई एक्सिस के अलोन। अब हमने टेम्परेचर मेजर करना स्टार्ट किया, सबसे पहले हम 12 बजे रात में टेम्परेचर मेजर करेंगे, 12 बजे रात के बाद हमने 1 बजे टेम्परेचर मेजर किया, फिर 2 बजे किया, फिर 3 बजे किया, 4 बजे किया और 5 बजे किया। ठीक है, उसके बाद 12 बजे के बाद, 12 बजे मान लीजिए हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री था, फिर हमारा टेम्परेचर राइज हुआ 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री। तो 12 बजे अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो एक डॉट यहां से हम प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, 1 बजे रात में अगर टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री हो गया, 2 बजे रात में टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया, 3 बजे रात में हमारा टेम्परेचर 6 डिग्री हो गया, 4 बजे रात में टेम्परेचर फिर 4 डिग्री हो गया, 5 बजे फिर 2 डिग्री हो गया, और मान लीजिए अगर आगे हम 6 बजे देखें और फिर 0 डिग्री हो जाए, तो ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का प्लॉट होगा। तो ये कहलाता है सिग्नल। ठीक है, तो ये सिग्नल हमारा कुछ इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, यानी ये सिग्नल हमें बता रहा है कि कितने टाइम में हमारे उस पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर कितना है। तो ये तो मैथमेटिकल वे हो गया सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का। अगर इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स के तरीके से कहें तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन होती है सिग्नल की, वो क्या होती है, ए सिग्नल इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करेंट दैट कैरी सम इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जो बेसिकली सिग्नल्स जो होते हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और जिनको हम ट्रांसमिट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे।
मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर की जगह अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सिग्नल है, ये हमारा एक सिग्नल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ये हमारी वोल्टेज है, तो ये सिग्नल जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। इस सिग्नल को हम सेंड कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो ये कहलाता है हमारा सिग्नल। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो बेसिकली दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरे होते हैं हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, तो थ्योरेटिकल बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आपके सबके पास एनालॉग वॉच भी होगी और डिजिटल वॉच भी होगी। तो मान लीजिए जो हमारी एनालॉग वॉच होती है उसमें तीन कांटे होते हैं। पहला जो कांटा होता है वो हमें बताता है अवर, दूसरा हमें बताता है मिनट, और तीसरा कांटा जो होता है घड़ी का वो हमें बताता है सेकेंड्स। ठीक है, मतलब जो एनालॉग वॉच होती है वो हमें अवर्स बताती है, मिनट बताती है और सेकेंड्स बताती है, और जो डिजिटल वॉच होती है आपके पास वो कैसा टाइम बताती है, इस टाइप से बताती है। तो इसमें क्या है, ये डिजिटल वॉच हमें बता रही है अवर्स और मिनट, केवल अवर बताती है और मिनट बताती है, डिजिटल वॉच हमें कभी सेकेंड्स नहीं बताती। यानी यहाँ पे जो सेकेंड वाला लेवल होता है वो मिसिंग होता है, जो सेकेंड्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं। 4:17 उसके बाद क्या बताएगी, 4:18 उसके बाद 4:19 उसके बाद 4:20। यानी 4:17 से 4:18 के बीच का क्या सेकेंड्स है वो हमारा मिसिंग है यहाँ पे। फिर 4:18 और 4:19 के बीच के जो सेकेंड्स हैं वो हमारे यहाँ पे मिसिंग है। हमें कौन से लेवल मिल रहे हैं, हमें कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रीट लेवल्स मिल रहे हैं डिजिटल वॉच में। बाकी जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल्स हैं वो मिसिंग है, यानी सेकेंड्स मिसिंग है आपकी डिजिटल वॉच में। जबकि एनालॉग वॉच जो होती है वो हमें अवर भी बताती है, मिनट भी बताती है और सेकेंड्स भी बताती है, मतलब हर एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो हमें वैल्यू देती है। जबकि डिजिटल वॉच के कुछ पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं, उसी लेवल्स के वो वैल्यूज जो है वो बताती है, और इंटरमीडिएट लेवल्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल के बीच में। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनमें हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। जबकि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनमें हमारे पास पर्टिकुलर डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल के बीच में। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, जैसे कि जो एनालॉग सिग्नल का नेचर होता है वो कंटीन्यूअस होता है, ये टाइम वेरिंग सिग्नल्स होते हैं। जबकि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। इसमें केवल डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश वैल्यूज, कुछ डिफरेंट वैल्यूज ही हमारा डिजिटल सिग्नल जो है वो शो करता है। डिजिटल सिग्नल बेसिकली यूज किए जाते हैं जितने भी आपके जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं, जैसे आपके मोबाइल हो गए, आपकी डिजिटल वॉच हो गई, कंप्यूटर हो गई, वो सारे डिजिटल सिग्नल्स ही रीड करते हैं। और डिजिटल सिग्नल दो बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 0 और 1। जबकि जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं वो हमारे कुछ इस टाइप के सिग्नल होते हैं, ये हमारे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स होते हैं। यानी इसकी हर पर्टिकुलर टाइम में हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है वो मिलेगी। जबकि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो हमारे डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं नेचर में, यानी हमें कुछ डिस्टिंग्विश वैल्यू ही इसमें मिलती हैं। और डिजिटल सिग्नल्स को हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा लो लेवल हो गया 0 और हाई लेवल हो गया 1। तो इस टाइप के जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं डिस्क्रीट सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो ये कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो जो एनालॉग सिग्नल है वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं नॉइज से, जबकि जो डिजिटल सिग्नल है वो ज्यादा रिलायबल है, कम अफेक्टेड होते हैं नॉइज से।
इसीलिए डिजिटल सिग्नल का लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या आपके कंप्यूटर्स हैं या जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन हमें सेंड करनी होती है उसमें हम जीरो और वन का यूज करते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन के रूप में कहें तो एनालॉग सिग्नल्स आर कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल, दे आर टाइम वेरिंग सिग्नल्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की कैटेगरी में आते हैं आपके वोल्टेज, करेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, ये सारे आपके क्या है, एनालॉग सिग्नल्स हैं। अब डिजिटल सिग्नल की डेफिनेशन देखें तो डिजिटल सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट सिग्नल्स, दे कंटेन ओनली लिमिटेड वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे बाइनरी सिग्नल्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे जीरो और वन। एनालॉग सिग्नल्स के सोर्स होते हैं हमारे जैसे सिग्नल जनरेटर, ट्रांसड्यूसर, ये हमारे एनालॉग सिग्नल के सोर्स होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे हमारे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, सिग्नल्स क्या कहलाते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है। एक्चुअली किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का या किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम का जो फंडामेंटल है वो है हमारे सिग्नल। ये सिग्नल आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो या डीएसपी पढ़ रहे हो, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर होना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी बताया और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में भी एक्सप्लेन किया है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय।